सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 4 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स एंड इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वी विल डिस्कस द टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर। तो डू यू नो व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? पिछली 2-3 वर्कशीट्स में यानी वर्कशीट नंबर 1 से हम इसी बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज रैशनल नंबर। और अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। जैसे अगर हमें बोलना हो कि 3/8 या फिर 4/7 या 1/6, दीज आर रैशनल नंबर। याद आ गया ना? तो आज का टॉपिक बहुत ही आसान है, एक बार समझ के तो देखिए। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट 8 इज इक्वल टू 8/1। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर 8 लिखा हुआ होता है तो हम उसको 8/1 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों बोथ आर इक्वल। अगर 6 लिखा है तो हम उसको 6/1 भी लिख सकते हैं, वो भी इक्वल होता है। तो यानी कोई भी आपको नंबर दे रखा है, अगर हम उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देते हैं तो वो इक्वल ही उसके इक्वल होता है। जैसे अगर 5 लिखा है तो हम उसको 5/1 भी बोल सकते हैं क्योंकि बोथ आर इक्वल। ऐसे ही अगर 14 लिखा है तो हम उसको 14/1 भी लिख सकते हैं, और 2 लिखा है तो हम उसको 2/1 भी लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही जब हम इनको प्लस करते हैं, मान लीजिए 8 और 6 को हमने प्लस किया, व्हाट इज़ द आंसर? 14। वेरी गुड। तो 8+6 इज इक्वल टू 14। अगर मैं इसको बाय 1 लगा दूँ दोनों में तो आंसर में भी बाय 1 लग जाएगा। तो 8/1 + 6/1 इज इक्वल टू 14/1, क्योंकि ये दोनों के दोनों ये और ये सेम होते हैं, रिजल्ट इज सेम। इसी तरह जब मैं इनको माइनस करता हूँ, मान लीजिए 8-6 इज इक्वल टू 2, और अगर मैं इनके नीचे सबके नीचे बाय 1 लगा दूँ जैसे कि मैंने आगे लगा रखा है, तो वो भी इक्वल होता है। 8/1 - 6/1 इज इक्वल टू 2/1 आर सेम, क्योंकि ये दोनों ही सेम है। सो वी रोट 14/1 एंड 2/1, नॉट द 14/2 और 2/2। ऐसे तो हमने नहीं लिखा ना, तो हम बाय 1 अपने आप से लगा सकते हैं। तो इफ़ टू एंड मोर रैशनल नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर्स देन वी एड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स अकॉर्डिंग टू द साइन प्लस और माइनस एंड प्लेस द डिनोमिनेटर। देखो कितना आसान हो गया ना। याद रखना, अगर दो नंबर्स का डिनोमिनेटर, दो रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर न्यूमरेटर होते हैं हमें उन्हें साइन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस या जो भी साइन लगा है हमें वो करना पड़ता है, और ये बहुत ही इजी है। आ रहा है कुछ समझ में? वी कैन इजीली गेट द फार्मूला टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स। तो इस तरीके से हम इन रैशनल नंबर्स को आराम से ऐड या सब्ट्रैक्ट बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को केवल हमें साइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। प्लस दे रखा है तो प्लस करना है, माइनस दे रखा है तो माइनस करना है, और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। सो नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी। शीला गेव 1/8 पीस ऑफ केक एंड 2/8 पीस ऑफ केक टू हर मदर एंड फादर रिस्पेक्टिवली ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। यानी अपने बर्थडे के ओकेजन पर शीला ने 1/8 पीस ऑफ केक अपनी मदर को दिया और 2/8 पीस ऑफ केक अपने फादर को दिया। सो नाउ लेट्स डू द एक्टिविटी। हाउ मच पार्ट ऑफ केक शीला गेव टू हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर हमने उसको एक फिगर से भी दिखा रखा है। देखिए 1/8 यानी टोटल कितने उसमें पीसेस थे केक में? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। अब 1/8 यानी एक पीस उसने अपनी मदर को दिया, तो मदर को कितना दिया? 1/8। फिर फादर को कितने दिए? 2 pieces दिए, तो उसका जो रेशनल नंबर बना 2/8। तो अब हम उसने बोला हाउ मच पार्ट, तो टोटल कितना दे दिया अपने पेरेंट्स को, तो 1/8 प्लस 2/8 इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, न्यूमरेटर को केवल साइन के अकॉर्डिंग करना है, तो बीच में प्लस है तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो पेरेंट्स को दिया 3/8। नाउ लेट्स डू अनदर एक्टिविटी। हाउ मच केक डिड शीला हैव, अब शीला के पास कितना केक बचा? तो देखिए टोटल जो केक था वो तो था 8/8 सबसे शुरू में, यानी 8 pieces सारे के सारे थे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसमें से अब हमने 3/8 पेरेंट्स को दे दिया, यानी शीला ने पेरेंट्स को दे दिया, तो कितना उसके पास बच गया, तो 8/8 माइनस 3/8, तो डिनोमिनेटर इज सेम 8, बस 8 में से 3 माइनस करने हैं, 5/8 इज द आंसर, यानी 5/8 अब उसके पास बचा है। तो नाउ लेट्स डू एन अनदर एक्टिविटी। रीना बॉट अ चॉकलेट ऑफ 10 pieces फ्रॉम विच शी गेव 2 pieces टू श्याम एंड 3 pieces टू मीना। समझे, रीना ने एक चॉकलेट ली जिसके 10 pieces थी, उसमें से 2 pieces श्याम को दे दिए और 3 pieces मीना को दे दिए। हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड श्याम एंड मीना ऑल टूगेदर हैव नाउ, ऑल्सो शेयर द पोर्शन, यानी अब आपको बताना है कि श्याम और मीना के पास टोटल कितने पीसेस चले गए, और इसको आपको शेडिंग करके भी दिखाना है। तो शाम के पास कितना चला गया, 2/10, वो हमने शीट करके दिखा भी रखा है, 10 pieces में से 2 pieces शाम के पास चले गए, और मीना के पास 10 pieces में से 3 pieces, तो इक्वेशन क्या बनी, 2/10 प्लस 3/10, तो कितना ऑल टुगेदर उन दोनों के पास कितना हो गया, 10 तो सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो दोनों के पास कुल 5/10 पीसेस ऑफ चॉकलेट हैं। इसको अब आपको कलर भी करके दिखाना है, इस तरह से आपको 5/10 दिखाना है, तो 5 boxes में आपको कलर कर देना है, तो बन गया 5/10, इस तरीके से आपको यहाँ पर सेम कलर करके दिखाना है। इसी तरह से अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड रीना लेफ्ट ऑल्सो शेड द पोर्शन। अब आपको ये बताना है कि पहले कितना था, टोटल कितना था, और उसमें से कितना उसके पास अब बच गया, तो पहले तो 10/10 उसके पास था पूरा का पूरा ही, ठीक है, फिर क्या हुआ कि 5/10 तो उन दोनों को दे दिया, तो अब कितना बचा, 10/10 और 5/10 डिनोमिनेटर इज़ द सेम, और सिर्फ आपको माइनस करना, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, और इसी तरह आपको उस चॉकलेट को कलर भी करके दिखाना है, इस तरीके से 5/10 आपको दिखाना है, तो 5 पीसेस को आपने कलर कर देना, 5 boxes में आपने कलर करना है, तो ये बन जाएगा 5/10, और इसको हम शेडिंग करके इस तरीके से दिखा सकते हैं 5/10। सो नाउ लेट्स रियली इट्स टू ईजी, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस बिलो, 2 questions है बहुत ईजी, आप वो आराम से कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन इज 2/4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर सेम, बस 2 - 1 करना है आपको, तो 1/4, और यहाँ पर आपको इसको कलर भी कर देना, आप यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं 1/4 दिखाने के लिए, ठीक है, आंसर इज 1/4। सेकेंड इज 4/5 प्लस 3/5, डिनोमिनेटर सेम, बस 4 + 3 करा इक्वल टू 7/5, यहाँ पर आ जाएगा 7/5, ओके, और आपने आप यहाँ पर 7 को आपने कलर भी करना है, 4 इधर दिखा दीजिए और 3 इधर कलर कर दीजिए, तो बन गया 7/5।
तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।